दोस्तों, आपने मेट्रो को पुल पर चलते हुए ज़रूर से देखा होगा और शायद अंडरग्राउंड मेट्रो में सफ़र भी किया होगा, लेकिन शायद ही आपने अंडर वाटर मेट्रो के बारे में सुना होगा। तो चलिए, मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, कोलकाता जो मेट्रो है उसने जो है अंडर वाटर मेट्रो का एक प्रोजेक्ट जो है फाइनली पूरा कर लिया है, जिसका इनॉग्रल आने वाली 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए, आइए आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। दरअसल जो है कोलकाता मेट्रो ने एक इतिहास रच दिया है और ये ऐसा पहली बार है जब कोई मेट्रो जो है नदी में बनी सुरंग से होकर निकलने वाली है। दोस्तों, ये जो सुरंग है वो हुगली नदी के बीच बनाई गई है। दोस्तों, कोलकाता में अंडर वाटर मेट्रो का एक ट्रायल हो चुका है और इसमें जो है ये सुरंग नदी तल से करीब 13 मीटर नीचे है और ज़मीनी स्तर से अगर हम बात करें तो 33 मीटर नीचे ये सुरंग बनाई गई है। और कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो है करीब 520 मीटर लंबी सुरंग को बनाया गया है और ये जो सुरंग है ये पूर्वी हिस्से में सॉल्ट लेक सेक्टर बी को कवर करते हुए पश्चिम में हावड़ा मैदान तक नदी के किनारे तक जाती है। दोस्तों, कोलकाता से हावड़ा का जो रूट है वो 16.5 किलोमीटर का है, जिसमें 10.8 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो अंडरग्राउंड है। वही करीब 5.8 किलोमीटर का जो रूट है वो एलिवेटेड है। ये अंडर वाटर टनल जो है वो 4.8 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस मेट्रो का जो है ट्रायल हो चुका है और अब फाइनली जो है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है वो इनॉग्रल किया जाएगा। जब इसका पहला ट्रायल किया गया था तो उसके बाद इस पर काफ़ी सारे और टेस्टेज और ट्रायल किए गए। 5 से 7 महीने 8 महीने जो इस पर काम चला, तब जाके जो है इसको फाइनली अब जो है आम जनता के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसका जो काम है वो 2017 में शुरू किया गया था और अब जाकर जो है ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस टनल में मेट्रो की जो स्पीड है वो अराउंड 80 किलोमीटर पर आवर की होने वाली है और इसका जो लाइफ टाइम रखा गया है वो अराउंड 120 वर्ष के लिए जो है बताया जा रहा है। इस मेट्रो के जरिए जो है हावड़ा से सियालदह का जो सफ़र है वो 40 मिनट में पूरा हो सकेगा, जिससे अभी पूरा करने में बाई रोड जो है वो करीब 1.5 घंटा लगता है। ये जो मेट्रो लाइन है ये जो है हावड़ा से कोलकाता को जो है वो जोड़ने वाली है अंडर वाटर टनल के माध्यम से और इसमें जो है काफ़ी कम समय अब लगने वाला है। दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक नदी के अंदर जो है टनल के माध्यम से मेट्रो ट्रेन को जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। इसमें जो है बाई रोड जाने से थोड़ा ज़्यादा समय लगता था। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम अंडर वाटर मेट्रो में सफ़र करेंगे तो ये जो समय है ये काफ़ी कम होने वाला है, तो ये भी पैसेंजर्स के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होने वाला है और समय तो कम लगने वाला है, एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस होगा जिसमें जो मेट्रो है वो अंडर वाटर होकर एक टनल के माध्यम से गुजरेगी। तो दोस्तों, आई थिंक आपको जानकारी ज़रूर से पसंद आई होगी और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, फिलहाल मिलते हैं आप जल्दी ऐसे नए वीडियो में और ऐसी ही रेलवे से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।